जान सब गम दुनिया दे, जिनू प्यार करा जे ओ नाल होवे। भूल जान सब गम दुनिया दे, जिनू प्यार करा जे ओ नाल होवे। भूल जान सब गम दुनिया दे। एक तो तेरा भाई जो है ना, वो इतना नहीं करता कि कहाँ अम्मा छत पे जाएगी। पकड़। उफ। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ नहीं आई हूँ। हाँ 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 आप वो द्वारका प्रसाद वाली बिल्डिंग में आई है ना, जी, सीरी पाई वाले के ऊपर। जी जी मैंने देखा था बालकनी से झांक के, आपका सामान उतर रहा था। अरे आपा, आप तो वाकई माशाल्लाह बहुत होशियार है। वहीं तो आए हैं हम। अच्छा, काशिफ के अबू बैंक में जॉब करते हैं, तो उनके ट्रांसफर होते रहते हैं। वैसे मैं सियालकोट की हूँ। मैं भी सियालकोट की हूँ, मेरे ससुराल हिंदुस्तानी है। यानी लव मैरिज है आपकी? हाँ लव मैरिज भी थी, लेकिन वो फोत हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक भाई जान के दर्जात बहुत बहुत बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ट्रे ट्रे लाइए आप है? वैसे बहुत खुला खुला घर है आपका। हाँ जी, ये तकसीम के बाद ना मेरे ससुर ने कब्जा किया था इस घर पे, फिर उन्हें अम्मा के नाम कर दिया। बड़ी नॉर्मल सी इनकी मोहब्बत थी, अमिताभ बच्चन और रेखा जैसी। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी ट्रे है। आए फिर नीचे चल के बात करते हैं। जी जी जरूर। आजी आजी तशरीफ लाइए, आइए आइए। मैं आपको बहुत पसंद करने लगी, आपके साथ ना मैं दुपट्टा बदल बहन बनूंगी। अरे आप तो बहुत अच्छी हैं। मैंने ना सुबह फजर के वक्त ही बिरयानी और जर्दा चढ़ा दिया था। अच्छा, गैस का हाल तो पता ही है आपको। हाँ। अब मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया है, मुझे चलना चाहिए। नहीं नहीं अब आप मेरी बहन है, बैठे ना कुछ देर तो बैठे। अरे कुछ आप भी आराम कर लेना, कोई बात नहीं। मेरी बहन किससे बात कर रही है मीना? क्या वो शहंशाह कसाई की बीवी बीवी आई है? आए अच्छा, उससे कहना ओजड़ी भिजवा दे, भाई बहुत दिनों से खाई नहीं हमने। नहीं अम्मा, द्वारका प्रसाद वाली बिल्डिंग नहीं है, उसमें रहने आई हैं ये, और हमारे लिए बिरयानी और जर्दा बना के लाई हैं। अच्छा अच्छा आप लोग बैठे, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, बैठो। अम्मा मैं आई। वैसे उसूली तौर पे आपको खाना तो हमें भेजना चाहिए। हाय हाय, अब वो मोहल्लेदारियाँ रही कहाँ। जब मैं ठीक थी तो मोहल्ले में आने वाले हर नए लोगों को खाना भेजा करती थी, वो भी 3 दिन तक। और खुदा ना खास्ता अगर किसी के यहाँ मौत हो जाए तो 7 दिन तक नाश्ता खाना और चाय भेजा करती थी। हाय हाय हाय, मीना चली गई? जी चली गई है। कैसी बेढंगी और गंवार औरत है ये, मेहमानदारी तो जैसे खत्म ही हो गई। लेकिन आपकी वजादारी और इंसान दोस्ती ने मेरा दिल मोल लिया। 2 दिन पहले आई हो और आते साथ ही बिरयानी और जर्दी की पतीलियां भी चढ़ा दी। कुछ ढंग इन्हें भी सिखा देती। ऐसे जंगली जानवर और तहजीब और तमीज से आरी बहू मिली है कि अल्लाह की पनाह। हाँ मगर जब घर के लौंडे इस तरह बाहर जाके आंख में टक्का करते हैं तो ऐसी नमूना बहुएं तो मिलती हैं हम जैसी माओं को।
वैसे जितने प्यार से आपने हमें खाला जान कहा, हमें अपनी भांजियाँ याद आ गईं। वैसे आजकल तो खाला जी ही कहा जाता है ना। वो मेरी अम्मी का ताल्लुक यहाँ पंजाब से है, मगर मेरे अब्बू भोपाल से थे। अच्छा अच्छा, तो दोनों की लव मैरिज है ना, भी बड़ी कामन है आपस में। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ना करे खाला जान, हमारे ख़ानदान में तो लव मैरिज का तसव्वुर भी नहीं किया जाता। वैसे मेरी दादी मेरे अब्बू की शादी अपने ही ख़ानदान में करवाना चाहती थी, मगर मेरे अब्बू का कहना था कि उन्हें बहुत ही नेक और शरीफ ख़ानदान की लड़की से शादी करनी है। मेरी अम्मी पक्की सैयद है ना। ओहो, अच्छा। तो हमारे घर की धोबन ने मेरी दादी से कहा कि अगर आपको अपने बेटे की शादी किसी नेक और शरीफ घराने में करवानी है तो फिर सैयद सुल्तान शाह के घराने से अच्छा घराना नहीं मिलेगा। तो बस फिर मेरी दादी मेरी नानी के यहाँ गईं और झोली फैला के उनसे कहा कि हम इस काबिल तो नहीं कि सैयदों की बेटी ब्याहें, लेकिन अगर आपने इस रिश्ते को कबूल कर लिया तो हमारी इज्जत को चार चांद लग जाएंगे। भाई वाह। खाला जान, आपकी बहू आ रही है। भाई, हमारी नमाज का वक्त हो गया है, हम जरा नमाज पढ़ाए हैं। जी जी। आए। क्या फरमा रही थी अम्मा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो चुप रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस ये कह रही थी कि बहुत फजूल खर्चे हैं, जो आता है उजाड़ देती है, और अगर ये घर ना होता तो बच्चों के साथ भीख मांग रही होती। अच्छा सुने, उनसे ना कहिएगा, बुरा लगता है। मैंने क्या कहना है, वैसे ही बकवास करती, जो भी आता है मैं फजूल खर्चूँ। और ये बेचारी, बरसातों में ये वाला कमरा, इसकी छत गिरने लगी थी, कमेटियाँ डाल के मैंने इसकी छत बनवाई। मैं एक जवान बेटी की माँ हूँ, उसकी कल को मैंने शादी कर दी, उसको भी लेना देना है। दो कमेटियाँ मैंने डाली, एक कमेटी मेरी अब निकली है 2.5 लाख की, देना दिलाना है। अल्लाह मेरे भाई को ज़िंदगी दे जो कतर में है। वो मुझे अपनी बीवी से छुपकर पैसे भेजता है और मैं कमेटियाँ डालती, और मेरी 2.5 लाख की कमेटियाँ भी निकली। अब तुम बताओ कि मैं क्या याशी करती हूँ, क्या फजूल खर्चूँ, मैं बच्चों के लिए संभालती हूँ, ये तो न जाने क्या चाहती है मुझसे। मैं तो ये सोचती हूँ ये मुझ जैसी बहू ढूंढ के तो लाए। बाजी, ये कुछ चुभ रहा है बाजू पे। इस उम्र में तुम्हें क्या चुभेगा मेरी वैशी हस्ती ना। और कर दो नंबरियां और कर होशियारियां, मेरे तो फरिश्तों को खबर नहीं कि यहाँ 2.5 लाख की कमेटियां डाली जा रही हैं। जब मैंने कहा था मेरी पॉकेट मनी के 10 रुपीस बढ़ा दे तो कितना गुस्सा करती थी आप। वाह भाई वाह, मुझे तो पता ही नहीं था हम इतने अमीर हैं। यहाँ तो चोर आकर 2.5 लाख के नजराने लेकर जाते हैं। रे चुप कर जाओ बेगम साहिबा, क्या हो गया है, रिलैक्स, चिल। वो क्या रहा है इमली? भाई ने अम्मी का हाथ थाम लिया है। अरे मिला हुआ है ये मर्दूद उस औरत से, इन दोनों की साजिश है। होता है माँ, सभी के साथ होता है, 2.5 लाख के आज के दौर में क्या वर्थ है। ओहो, जैसे तेरे ननियाल वाले हैं ना, वो बहरिया टाउन वाले, यहाँ सोने चांदी की गंगा जमुना बह रही है, 2.5 लाख रुपया। मुझे भूख लगी है। अरे भूख तो मुझे भी लगी हुई है। अरे कुछ नहीं पकाया तुम्हारी माँ ने, उसे गीबतें करने से फुर्सत मिले तब ना। अल्लाह की पनाह, पहली बार एक औरत से मिली और उसे सब राज बता दिए, उल्लू की पट्टी है तुम्हारी माँ। भूख तो मुझे भी लग रही थी। क्यों नहीं पका, पका हुआ है वो बिरयानी और वो जर्दा, 2.5 लाख का खाओ, लाती हूँ गरम करके। वैसे एक बात है, 2.5 लाख का गम खत्म करने के लिए बिरयानी और जर्दा काफी है। अल्लाह का शुक्र है कि आप अम्मी पे नहीं गई,
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अरे भला मैं क्यों जाऊंगी उस कूड़ मगज और बॉडम औरत पे। खाला जान ये पीतल की अंगूठियां ना पहना करें, ये कितनी हैवी है और आपको पता है पीतल गोश्त को गला डालता है, जहर फैलता है इससे। अरे भाई मैं क्यों पहने लगी पीतल, सोना है खरा सोना। अच्छा अगर आप कहें तो मैं ये पॉलिश करवा के 2-4 घंटों तक वापस दे जाऊं, मेरे मियाँ सुनार का काम भी करते हैं ना, घर पे ही सारा काम कर लेते हैं। अरे नेकी और पूछ पूछ, अभी लो